तो हेलो डिविडेंड लवर, स्वागत है एक और नई डिविडेंड वाली वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 30 मई से लेकर 3 जून तक किस किस कंपनियों ने गुड अमाउंट ऑफ डिविडेंड अनाउंस किया, यानी काफ़ी अच्छा अमाउंट में डिविडेंड कौन कौन सी कंपनियां देने वाली है। तो हम लोग साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि आप उस डिविडेंड के लिए कैसे एलिजिबल हो सकते हैं, यानी आपको डिविडेंड कैसे मिले। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। लेट्स स्टार्ट। तो हमारी पहली कंपनी जो बम्पर डिविडेंड दे रही है वो है इंफोसिस लिमिटेड। ये एक आईटी जाइंट है और इस कंपनी ने 16 रुपीज़ पर शेयर डिविडेंड अनाउंस किया है, यानी आपको हर शेयर पे 16 रुपया मिलेगा। अगर आपके पास ये कंपनी का शेयर अभी है तो इसे अभी सेल करने की गलती ना करें। और इस कंपनी ने डिविडेंड जो 16 रुपीज़ दिया है, अगर ये आपको एलिजिबल होना, यानी आपके पास इस कंपनी का शेयर नहीं है और आप चाहते हैं इस कंपनी से आपको डिविडेंड मिले, तो आपको 30 मई तक शेयर्स बाई करने होंगे, तभी जाके आप इस कंपनी के डिविडेंड के लिए एलिजिबल है। क्योंकि कंपनी ने एक स्टेट 31 मई रखा है, यानी आपको 30 मई तक शेयर्स बाई करने होंगे, तब जाके आपको इस कंपनी से डिविडेंड मिलेगा। तो हमारी दूसरी कंपनी है HDFC लिमिटेड। ये एक फाइनेंशियल सेक्टर से है और ये कंपनी ने काफ़ी अच्छा डिविडेंड लाया है, यानी पर शेयर 30 रुपीज़, यानी आपको हर शेयर पे 30 रुपीज़ मिलेगा। और ये शेयर तो काफ़ी लोगों के पास है, तो इसे अभी सेल करने की गलती ना करें, क्योंकि ये कंपनी ने काफ़ी अच्छा अमाउंट दिया है। और जिस जिस लोगों के पास इस कंपनी का शेयर नहीं है और उन्हें डिविडेंड चाहिए, तो उन्हें 30 मई तक शेयर्स बाई करने होंगे, तभी जाके वो डिविडेंड के लिए एलिजिबल है। क्योंकि कंपनी ने एक डेट रखा है 31 में, यानी 31 मई के पहले पहले आपको शेयर्स बाई करने होंगे, तभी जाके आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल हैं। और हमारी तीसरी कंपनी है GTPL हेतुए लिमिटेड। ये कंपनी ने भी देखा जाए तो ठीक ठाक डिविडेंड अनाउंस किया है, जो पर शेयर 4 रुपीज़ करके है, यानी आपको हर शेयर पे 4 रुपया मिलेगा। और देखा जाए तो कंपनी के शेयर के हिसाब से डिविडेंड भी कुछ खास बुरा नहीं है। और अगर आपके पास ये कंपनी का शेयर हो तो ऑफकोर्स की बात है आपको इसे सेल नहीं करना है। और अगर आपको इस कंपनी का डिविडेंड चाहिए तो आपको मई 31 तक शेयर्स बाई कर लेने होंगे, क्योंकि कंपनी ने एक डेट रखा है 1 जून, यानी वह 1 जून के पहले पहले आपको शेयर्स बाई करने हैं, तब जाके आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल हैं। और हमारी फोर्थ और लास्ट कंपनी हो रही है टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये कंपनी ने पर शेयर 55 रुपीज़ डिविडेंड अनाउंस किया, जो इस कंपनी के शेयर प्राइस के मुकाबले देखा जाए तो काफ़ी हाईएस्ट डिविडेंड ये कंपनी दे रही है। और देखा जाए तो ये कंपनी का भी बैलेंस शीट भी काफ़ी इंप्रूव हुआ है। अगर आपके पास इस कंपनी का शेयर हो तो इसे सेल करने की गलती ना करें। और अगर आपके पास इस कंपनी का शेयर नहीं है और आप इसके डिविडेंड के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं, क्योंकि इस कंपनी का जो अभी डिविडेंड दे रही है पर शेयर, वो काफ़ी अट्रैक्टिव डिविडेंड है, क्योंकि पर शेयर 55 रुपीज़ आपको मिलने वाला है। तो अगर आपको इस कंपनी का डिविडेंड चाहिए तो आपको 1 जून तक शेयर्स बाई कर लेने होंगे, क्योंकि कंपनी ने एक डेट 2 जून रखा है, यानी 2 जून के पहले पहले आपको बाई कर लेने होंगे, तब जाके आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हम लोग फ्यूचर में ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे, तब तक कीप इन्वेस्टिंग, क्योंकि सबको बढ़ने का हक है।